शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हे नंदकेलाल, मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा, वो तो सचमुच राजाओं की तरह जीने लग गया। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा हो गया। उसकी हरामखोरी की आदत छुड़वा दे और मेहनत करना सिखा दे। मैं तेरे चरणों में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे माखन चोर, मेरा बेटा एक नंबर का काम चोर, दिन भर आवारा सांड की तरह गांव में फिरता रहता है, लड़कियों की मटकियां फोड़ता रहता है। उसको अपनी तरह नटखट नहीं, राम जी की तरह आदर्शवादी बना दे। मैं 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। हे बुद्धि के सागर, मेरे बेटे के भेजे में बुद्धि की जगह भूसा भर दिया है। पिछले 3 साल से बीए में फेल हो रहा है। इस साल उसकी पढ़ाई की नैया की खेवैया बन जाओ, उसको पास करा दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। जय कृष्ण मुरारी। जय राम जी के शिवनाथ जी। जय राम। कहां भागे जा रहे हैं, कुछ भगवान पे पैसे वैसे तो चढ़ा के जाइए। अभी मेरा काम थोड़ी हुआ जो पैसे चढ़ा के जाऊं, हो जाएगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 100 रुपया एडवांस देके जाता हूँ, बाकी काम होने पर दूंगा। अच्छी बात है, लाइए। मेरा बटुआ, एक पैसा नहीं मेरे पास। अरे क्या शिवनाथ जी, भगवान के सामने खड़े खड़े बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आपके सर की कसम, कल मैंने मंडी में गेहूं बेचा, 1000 रुपया मुझे मिला, पैसा नहीं है मेरे पास। समझ गया, मैं उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, उसने मेरी जेबी साफ कर दी। राजा, हे राजा, राजा, क्या है जी, क्यों राजा राजा कहके चिल्ला रहे हो? जब मैंने अपने बेटे का नाम राजा जी रखा है, सारा गांव उसे राजा जी बुलाता है, तो उसे राजा कहने वाले आप कौन होते हैं? मैं उसे राजा जी कहूँ जी? एक बार वो जी मुझे मिल जाए तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूँ। उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेले की रुई की तरह नहीं धुनक डाला तो मेरा नाम शिवनाथ नहीं। क्यों जी, क्या किया है मेरे लाल ने? तुम्हारे लाल ने मेरा मुंह काला कर दिया है, हरामखोर ने मेरा बटुआ उड़ा लिया, पूरे 1000 रुपए दो उसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा चोर है क्या? चोर? अरे तुम्हारे बेटे को चोर देकर अपनी जेब दबाकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए जी, इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर, क्या सबूत है कि मेरा बेटा चोर है? सबूत? जीजा जी, ये रहा सबूत, तुम्हारा वाहियात भाई, मेरा निकम्मा साला, मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला, क्या है बे शादीलाल? जीजा जी, सुबह सुबह गुस्सा क्यों खा रहे हो? अरे खाना है तो लड्डू खाओ, कड़वा मुँह मीठा हो जाएगा। प्यारी बहना, ये लड्डू का डब्बा तेरे लिए है। क्या बात है भैया, लड्डू बांट रहे हो? कोई लड़की मिल गई है, शादी वादी कर रहे हो क्या? प्यारी बहना, यही गहना तो तेरे भाई ने अभी तक नहीं है पहना, परसों से दूल्हे की तरह तैयार होके घूम रहा हूँ। सर पे दूल्हे की पगड़ी, तन पे दूल्हे का जोड़ा, जेब पे ये देखो चमचमाता सेहरा। उधर बोलो। अरे बरसों से पंडित को भी तैयार करके बैठा हूँ, अरे 4-5 बार तो अकेले फेरे लगा चुका हूँ, मिलेगी लेकिन दुल्हन ससुरिये की मिलती नहीं है। मिल जाएगी। पिताजी ने है ना मेरा नाम तो शादी लाल रख दिया था, पर उसके लाल की शादी तो हुई नहीं पा रही है। हो जाएगा। अबे क्यों बात को शैतान की आंख की तरह लंबा करता जा रहा है, बोलता क्यों नहीं कि मिठाई किस खुशी में बांट रहा है? हाँ। जीजा जी, मैं नहीं बांट रहा हूँ, तो? ये तो आपकी आंखों का तारा, आपके खानदान का चिराग, आपके कलेजे का टुकड़ा, अरे आपका नूरे नजर, आपका बेटा राजा जी बांट रहा है। हाँ? तुम क्या है कर रही हो? एक तो हरामखोर ने मेरी जेब से 1000 रुपए चुरा लिए, ऊपर से मामा भांजे लड्डू खा रहे हैं। जीजा जी, हम दोनों अकेले थोड़ी ना खा रहे हैं, वो तो पूरे गांव को खिला रहा है। पूरा गांव? जीजा जी, गांव का नाम सुन के घर चुप। बाबूजी, बाबूजी, लग ये बहुत सही, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। भाई साहब, क्या है? मैं ये 2 टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये 2 टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की, इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया।
इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र कमा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और एड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये दो टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, खामखा मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना ठीक रहेगा, जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो अनसोल लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हो पैसे? हाँ, जूता बना के देता ही अब मैं फिर से मदारी बन जाऊं? अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन, मैं तुझे समझाता हूँ। इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है, तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूँ। अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। Hey, what is mobile number? What is a dial number? What is a gully number? What is a road number? You know my sandal number? कर दूंगी तुझको अंदर। देखो मैं कंफर्म करके आता हूँ कि यही राजू है कि नहीं। चल दिया ना। ओके, बहुत डिस्परेट लग रही है। गोपाल, ये लड़की ने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? सीधा सीधा बोलना, तूने देख लिया है? यार तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है यार? क्या मालूम यार, जब भी लड़की पटाने की कोशिश करता हूँ सीधा चमाट तपाट, और एक तू है, तेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन के लिए तो गोपाल बन जाए और मैं राजू बन जाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज तेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर देता हूं मैं। कैसे? वो लड़की देख रहा है? क्या बात है, देसी लग रही है यार, क्या मस्त लग रही है, पकड़ूं क्या? अरे वो खुद तुझे आकर पकड़ लेगी मेरे दोस्त। नहीं। हाँ कैसे? बोल रहा हूँ, कैसे? फिर मुझे पता चल जाए कि तू गोपाल नहीं राजू है। तो जाके बोल ना मैं राजू हूँ। लेकिन तुझको गलती से बोल मत ना कि तू गोपाल है। नहीं नहीं, मैं राजू था, राजू हूँ, राजू रहूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं राजू बस चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के मैं राजू राजू चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के तू मजनू मजनू चिल्लाएगी, कपड़े फाड़ के मजनू मजनू, कपड़े फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, फाड़ फाड़ के। मुबारक हो शिवराज, क्या लड्डू लेकर आया आपका बेटा? शिवनाथ जी मुबारक हो, क्या दिल पाया है आपके बेटे ने, बिल्कुल आप जैसा, पूरे गांव का मुंह मीठा करा दिया उसने। आओ बच्चुआ। नमस्ते शिवनाथ जी, नमस्ते। क्या हुआ, तुझको भी मेरे बेटे ने लड्डू खिला दिया? उनकी क्या मजाल जो मुझे लड्डू खिलाएगा, अरे मैं तो इंसान हूँ, उसने तो गाय भैंस बैल बिल्ली सभी को लड्डू खिला रहा, अव्वल आया ना। मेरा बेटा अव्वल है पढ़ाई में? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपके लड़के को जितने नंबर मिले हैं ना, क्लास में किसी के नहीं मिले। बताओ, मेरा बेटा अव्वल है पर मैं उसको मारने के लिए लाठी लेके घूम रहा हूँ, लाठी के बजाय मेरे हाथ में मिठाई होनी चाहिए थी। अरे वाह, मिठाई आ गई, मुखोल 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 मुखोल, तेरा मुंह के चूहे का बिल है, मुखोल 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 मुखोल। दे रहा बाबा, दे रहा दे रहा, एक रहा दे रहा, एक मिनट। हाँ लो, सब लो लो लो, दे रहा भाई, एक मिनट दे रहा हूँ। अरे माथे जी, माथे जी, अरे आप तो लड्डू खाइए। मगर किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं आप? कमाल है, आप ही ने तो मेरे बेटे को इज्जत की पदवी पे बिठाया। इज्जत की पदवी पे मैंने? हाँ, आप ही के कारण तो मेरा बेटा अव्वल नंबर से पास हुआ है। लीजिए लड्डू खाइए। अरे क्यों लड्डू बांटकर अपना नुकसान कर रहे हैं? आज के युग में चोर लुटेरे डाकू पास हो सकते हैं, मगर आपका बेटा पास नहीं हो सकता। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक मैंने नहीं, ये मजाक आपके बेटे ने आपके साथ किया है। पूरी क्लास में एक ही लड़का फेल हुआ है, वो भी आपका बेटा राजा जी।
आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। पूरी क्लास में इतनी बुरी तरह से फेल हो गया कि पूरे कॉलेज के मुंह में कालक खोद दी उसने। यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ तक बोल दिया कि दोबारा इस तरह कोई लड़का फेल होगा तो कॉलेज में ताला लगा देंगे। और आप लड्डू बांट रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हटाइए, लड्डू बांट रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, मैं इसके लिए मिठाई बांट रहा हूँ? मिठाई के बदले मेरे हाथ में लाठी होनी चाहिए थी। शिकार उसने किया, शिकार उसने किया, वाह वाह, शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, वाह वाह वाह, क्या बात है, शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, पूरा किया अनवर जो किसी लड़की से प्यार किया, जिएंगे साथ साथ मरने की कस्में खाई थी, जिएंगे साथ साथ मरने की कस्में खाई थी, यही समझ कर तो अनवर ने एतबार किया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, अमर रोहित मियां, इन खेलने खाने के दिनों में ये आंसुओं की धारा क्यों? क्या बताऊं अनवर, मैं भी तेरी तरह इश्क में पड़ गया हूं रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेरे इश्क की दुकान तेरी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अनवर, मैंने सुना है कि लड़कियों पर लव लेटर का बहुत भारी असर होता है, खासतौर पर जब वो उर्दू में लिखा हो। मैं कुछ समझा नहीं रोहित मियां, उर्दू की मिठास लड़कियों के दिलों को चीर देती है अनवर। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, तुझे मालूम नहीं तू क्या चीज है? तू जिस कागज को हाथ में पकड़ता है ना, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि अनवर मुझे काला कर रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। तू जिस कलम को उठाता है वो अपने आप पर नाज करती है कि मैं अनवर की उंगलियों में खेल रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तू जिस स्याही से लिखता है ना, तेरे ख्यालात पे कुर्बान होने के लिए स्याही की बोतल अपना मुंह फाड़े बैठी रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, ख्यालात तेरे, खत तेरा, उठा कलम। उठाता हूँ, लिख लिखता हूँ। तो तुम ही राज हो? तो क्या मैं तुम्हें आमिर खान दिखाई दे रहा हूँ? मैंने तो सोचा था कि तुम 6 फुट ऊंचे, लंबे मूंछों वाले विलन टाइप के आदमी निकलोगे। तुम तो बड़े कॉमेडियन टाइप के आदमी निकले। तुम्हें मारने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तो तुम भी मेरी बॉडी और हाइट से धोखा खा गई ना। लेकिन मैडम, तुम मुझे जानती नहीं, मैं बहुत खतरनाक आदमी, आधे हिंदुस्तान की पुलिस मुझे देश के कोने कोने में ढूंढ रही है और मैं यहाँ के बसा। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उसके पास तो गन है। हाँ गन तो है, देख रहा हूँ मैं। लेकिन एक मिनट एक मिनट, भाई साहब, आप एक हिंदुस्तानी होकर एक हिंदुस्तानी को क्यों मारना चाहते हो? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप पकड़ो इस लड़की को। ऐसे नहीं, बाहों में बाहें डाल के पकड़ो इसको। नहीं नहीं, बाहों में बाहें डाल के मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं पकड़ लूंगा, मैं उस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। ज्यादा बात नहीं करना, दोनों गोली से उड़ा दूंगा। चल। अरे अरे पकड़ो ना जल्दी से, नहीं तो गोली मार देगा। नहीं नहीं, जिससे मैं प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा और उसी को बाहों में पकड़ूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा और टाइप का लड़का हूँ। ओहो, तो फिर ऐसे समझो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, शादी करने वाले, और फिर जल्दी से पकड़ लो। चल। अच्छा आने दो कसकेट। अरे भाई साहब, आप हम दोनों को इतना क्यों कसवा रहे हो? मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। किस टाइप का? मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक गोली से दोनों कैसे मरते हैं। मेरे पास सिर्फ एक गोली है। नहीं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मरने के लिए तैयार हो जाओ। घुमाओ इधर भाई साहब, आंखें बंद करके ऐसे छोड़ो, आंखें खोल लेने समझे भाई साहब। बहुत टेंशन हो रही है भाई साहब। भाई साहब तो भाग गया, भाग गया, सारा मूड खराब कर दिया साले ने। मेरा मतलब कि जाएगा कहां भाग कर? वैसे उर्मिला, राजू ने किया क्या था? किया था राजू ने, किया। पहले उसे पकड़ो फिर बताते। ओके लेट्स कैच हिम। भाग कर जाएगा कहाँ? अपने रेस्टोरेंट में तो आएगा ही ना, यहीं बैठकर उसका इंतजार करते हैं। अरे लेकिन आप मुझे बता क्यों नहीं रही है कि आप राजू को मारना क्यों चाहती है? भाई मिलेगा तो खुद ही बताएगा अपने मुंह से। ओके ये पॉइंट भी सही है। आप 2 मिनट रुके, मैं 5 मिनट में भी आया। आई विल बैक। ओके Would you like to place your order? Get me coffee, please. Would you like it Irish or plain? Irish. Irish. Brother, आपको छुपने के लिए यही जगह मिली? अरे उससे बचने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाटा खाया हूँ। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जूता भी खाएंगे। वो सामने ही बैठी। हट हट, चल चल चल, निकल ले निकल ले, चल निकल ले चल निकल ले, हट हट। मामे मैंने क्या देख लिया? मामे मामे मुंह छुपा के भाग, वो क्या कर रहा है यार? भाग 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 भाग। मामे मामे, बाबूजी की स्पीड इस उम्र में कैसे बढ़ गई यार? अरे भाग 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 भाग
भाग चल, भाग चल, पीछे बाबू जी आ रहे हैं, लठ लेके आ रहे हैं, भाग भाई यार, ओ मामे, मामे भाग चल, भाग चल, भाग चल, भाग चल, निकल, अरे अरे ये तो किन्हों जगह पर दीवार है, पीछे बाबू जी आ गए, मामे, 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 यहाँ से भाग चल दे, इस दीवार बड़ी मजबूत है मामे, छलांग मार लेते छलांग, तुम मेरे को हेल्प कर मामे, मामे तुम मुझे हेल्प कर, हेल्प कर, हेल्प कर मामे, मामे हेल्प कर, भाग, और कहाँ तक भागेगा भाग? वो तो गली ने धोखा दे दिया, बीच में दीवार खड़ी कर दी वरना मैं भाग जाता। मैं इसी दीवार में तेरे को जिंदा चुनवा दूंगा। मैं कोई अनार खड़ी हूँ जो मुझे चुनवा देंगे? लोगों से झूठ बोलता है, तू अव्वल है? लो, अव्वल तो मैं आया हूँ ना मामे। कहाँ से अव्वल आया? पीछे से अव्वल आया हूँ ना मैं। पीछे से अव्वल और मिठाई बांटता? अरे जीजा जी, आगे से अव्वल आया, पीछे से अव्वल आया, पर आया तो है ना अव्वल। कल से तेरा घूमना फिरना बंद और इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। कल से तुम दोनों खेत में जाओगे। खेतों में तो हम लोग सवेरे जाते हैं डिब्बा लेकर। अब दिन भर जाओगे, हल जोतोगे, बैलों के बदले काम करोगे। बैल की जगह काम करेंगे? भांजे, मैं किस एंगल से बैल लगता हूँ जो मुझे बैल की तरह जोतेंगे ये? तू तो फिर भी लगता है। मैं तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं कहाँ जाऊंगा? मामे, ए मामे, अरे वो क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो कड़ुआ है। हाँ, फटफटी बजा रहा है। कड़ुआ, ए कड़ुआ, अबे तेरी औकात कैसे बदल गई? अरे कड़ुए, अबे कड़ुए, हमें ये कड़वा है क्या? कड़वा ही लग रहा है ये तो। ये कड़वा, अरे यार ये कमाल करीब है। ये देखिए, मोटरसाइकिल पे तोता बैठा है। तोते पे चश्मा लगा हुआ है, इस पे भी चश्मा लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा तोता कौन है, आदमी कौन है? आदमी मैं हूँ यार, आदमी मैं हूँ। अरे कमाल की बाइक यार, कमाल का सूट यार। ये देख, ये देख कंगी, कंगी देख, झूठ लग जाएगा। कड़वा, ये चक्कर क्या है बताना यार? तूने मुंबई का नाम सुना है? अभी चार बजेगा मुंबई, तू क्या बात कर रहा है? ये वही के ठाट बाट है हरामजादे। क्या मम्मी गाली क्यों दे रहा है? भांजे, ज्यादातर लोग मुंबई में जिनका पैसा होता है ना वो स्मगलर हो जाते हैं, ये स्मगलर बन गया है ये। कड़वा, चार चार आने में गोबर उठाने वाला कड़वा आज का स्मगलर बन गया। अबे क्या उल्टी सीधी आंक रहा है तू, पागल हो गया है? मुंबई शहर में इज्जतदार आदमी हूँ मैं, जिधर से मैं निकलता हूँ ना सब मेरे को सलाम ठोकते हैं। सलाम ठोकते? क्या ठोकता है? ठोकता नहीं बे, तूने जैक्सन टेक्सन का नाम सुना है? अबे बहुत बड़ी कंपनी है, वहीं पे सर्विस करता हूँ मैं, बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे 200 आदमी काम करते हैं। ठीक से देख यार, नीचे नहीं तेरे ऊपर करते होंगे यार। मटकी के द्वार में जैसे मटकी फोड़ते वक्त तेरे नीचे भी 200 आदमी काम करते हैं। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? नीचे काम करने से मेरा मतलब है कि मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, मेरे अंडर। अच्छा, तेरे को पगार कितनी है? 10,000 महीना। 10,000? मामे समझ गया यार, ये दिन भर कुत्ते की तरह काम करता है ये। वो क्या बात करता है, काय का काम, ठाटते रहता हूँ मैं, ऑफिस में एयर कंडीशन की हवा खाता हूँ। और सुन, मुश्किल से 8-10 फाइलें मेरे सामने आती है, साइन करता हूँ, लट्टा देता हूँ। बगल में जाती यार, ए कड़वा, ये इस तरह से बगैर मेहनत के करने वाला काम मेरे को भी दिला देना यार। सुन, ओए तूने बीए पास किया है? बीए नहीं, बीए कॉलेज के आसपास से पास होता रहता हूँ, लेकिन कॉलेज से बीए पास नहीं किया। उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए डिग्री होना बहुत जरूरी है, समझा? तू एक काम कर, तू गांव में रह, ये तेरे बस का रोग नहीं है। मैं 4 आने में गोबर उठाता था, तू 8 आने में उठा, चल हट हट पीछे हट हट हट। न चल के राख हो गया क्या? कोई बात नहीं, ना वो जिस गोबर की बात करके गया है ना, उसी गोबर को एक दिन उसके मुंह पे थोप देना तू।